हेलो दोस्तों नमस्कार स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर से संबंधित जो सेबी ने दो खुशखबरी दी है उसके बारे में और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो दो खुशखबरी दी गई है उसमें से एक खुशखबरी तो जो है वो इसके डिमिट अकाउंट से संबंधित है लेकिन जो दूसरी खुशखबरी दी गई है उसके चलते शेयर जो रिटेल शेयर होल्डर हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है तो हम उसी के बारे में अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि जो पहली खुशखबरी तो यह है कि इसमें जो है डीमेट अकाउंट का जो डेट वो टल गया है जिसमें नोमनी जोड़ने का जो डेट था उसको टाल दिया गया है फिलहाल और वो अब कब हो गया है उसको हम डिटेल से देखेंगे चूंकि अब जानते हैं कि जो डिटेल अभी जोड़ना था जो नोमनी जोड़नी थी अपने डिमेट अकाउंट में वो तीस सितंबर उसका लास्ट डेट था उसके बाद एक अक्टूबर से ये जो डीमेट अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है नोमनी ना जोड़ने पर और जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है उसमें एक नया कंसेप्ट भी लाने जा रही है वो कंसेप्ट ये है कि एक फ्रैक्शनल शेयर का ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो फ्रैक्शनल शेयर है उसका कंसेप्ट क्या है और वो जो कंसेप्ट आ रहा है उससे कैसे ये बताया जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टरों को कि जो है लॉटरी लगने वाली है और रिटेल इन्वेस्टर जो है अच्छे अच्छे कंपनियों में कम पैसे में ही शेयर खरीद पाएंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं सबसे पहले कि ये जो डीमेट अकाउंट में जो नोमनी जोड़ने का डेट था वो जो चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं उसके बाद फिर हम फ्रैक्शनल जो शेयर है उसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहली जो न्यूज हमने बताई थी कि इसमें जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी ने उसने डीमेट अकाउंट में जो सबमिट करना था पैन और नॉमिनी के साथ साथ केवासी डिटेल जो सबमिट करनी थी उसकी डेट 30 सितंबर से बढ़ा के इकतीस दिसंबर तक कर दी है और ये सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट के लिए ये डेट नहीं बढ़ाया गया है ये म्यूचुअल फंड में जो अकाउंट खुलते हैं म्यूचुअल फंड अकाउंट उनके लिए भी ये डेट बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर इससे एक तरीके से कहा जाए तो अभी हम जब पिछले वीडियो बनाए थे इससे संबंधित उसमें बताया था कि अगर इससे संबंधित अगर डेट बढ़ जाती है तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा रिटेल इन्वेस्टरों को क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इसमें कैसे जोड़ा जाए तो इसमें जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा समय मिल गया है अब वह थोड़ा सा रिसर्च करके और फिर जाके अपना नोमनी जोड़ सकते हैं और इसमें जो एक ऑप्शन और दिया जा रहा है वो ये इसमें एक डिक्लेरेशन फार्म भी भरना है अगर आप नोमनी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप ये एक डिक्लेरेशन फार्म भर दीजिएगा कि आखिर ये जो है हम नोमनी क्यों नहीं जोड़ना चाह रहे हैं और नहीं जोड़ने पर हम मतलब इससे अगर नुकसान होगा तो क्या होगा तो इससे संबंधित एक डिक्लेरेशन फार्म भरवाए जाए तो उसको आप भर के और नॉमिनी से बच सकते हैं तो ये जो डेट बढ़ाई गई है वो 31 दिसंबर से बढ़ा दी गई है इकतीस दिसंबर तक और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इकतीस दिसंबर तक अगर आप ये काम नहीं करते हैं अपना जो है पेन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं नॉमिनेशन नहीं सबमिट करते हैं और केवासी डिटेल अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका जो है एक जनवरी 2024 से आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा और फिर से आगे की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी तो दोस्तों बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप जाके ये सारी जो प्रक्रिया हैं पैन कार्ड सबमिट कर दीजिए अगर नहीं करें तो दीजिए आप कर ताकि आपका खाता यानी डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट दोनों खाते बंद होने से बच जाएं तो चलिए दोस्तों हम दूसरे न्यूज के अब देख लेते हैं दूसरा न्यूज देखने से पहले आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो एम लिमिटेड है जो एम आर एफ टायर जो बनाती कंपनी हो उसका जो शेयर प्राइस है इसको ध्यान में रखिएगा जो कि एक लाख आठ हज़ार रुपये के आसपास चल रहा है और साथ ही साथ ये जो पेज इंडस्ट्री है इसका भी आप प्राइस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे फ्रैक्शनल शेयर की तो उसमें इन दोनों की जो है एग्जाम्पल लेके फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे तो इसका जो प्राइस फ़िलहाल चल रहा है अड़तीस हज़ार छः सौ रुपये के आसपास चल रहा है और अभी हम एम के प्राइस के बारे में बताए थे कि एक लाख आठ हज़ार रुपये के आसपास उसका प्राइस चल रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम उस न्यूज़ जो आई है यानी जो फ्रैक्शनल शेयर के बारे में बताया जा रहा है उसके हम देख लेते हैं तो दोस्तों जो फ्रैक्शनल शेयर का कंसेप्ट आया है उसमें आप देखिए कि इसका जो हेडलाइन बनी है जो न्यूज़ निकल के आई है उसकी कि अब जो है छोटे निवेशक हैं यानी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है और वो बड़ी सुविधा क्या मिलने वाली है कि वो जो है टुकड़े में जो है ख़रीद सकेंगे शेयर और ये जो शेयर कैसे टुकड़ों में खरीदेंगे इसको तो अभी हम आगे देखेंगे और ये आगे बता रहे हैं कि एक लाख दस हज़ार वाले शेयर में भी आप जो है एक हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे तो कैसे करेंगे अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये आगे ये बता रहे हैं कि प्रेसनल व्यवस्था क्या है इसमें ये बता रहे हैं कि ये शेयरों को जो है किश्तों और टुकड़ों में खरीदने का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और ये आगे एक एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि यदि कोई शेयर पचास हजार रुपए का है तो उसमें आप पांच सौ रुपए इन्वेस्ट करके भी उसको खरीद सकेंगे अर्थात आपको एक फीसदी हिस्सा उसका मिल जाएगा इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए पचास हजार का कोई शेयर है उसमें से अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ पांच सौ रुपया ही है और आप इस पचास वाले शेयर को खरीदना चाह रहे हैं तो आपको जो है पाँच सौ रुपये में भी वो शेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके लिए मात्र मात्र एक परसेंट शेयर प्रोवाइड किया जाएगा यही कंडीशन अभी हमने देखा था कि पेज इंडस्ट्री है उसका प्राइस अड़तीस हजार रुपये है तो एक आम रिटेल इन्वेस्टर एक शेयर अड़तीस हज़ार में तो ख़रीदने जाएगा नहीं तो इसके लिए आप उसको एक नई ये जो व्यवस्था ला रहे हैं ये अड़तीस हजार रुपये का जो शेयर है उसको कई भागों में आप बाँट के खरीद सकते हैं अर्थात जो फ्रैक्शनल का मतलब यही होता है कि भिन्न 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 जो भागें हैं उसमें बाँट के खरीदना तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है रिटेल इन्वेस्टर वो इस को एक हज़ार रुपये लगाना चाह रहे हैं इसमें तो उनको जो है एक हज़ार रुपये में उनका कुछ शेयर इनको बांट दिया जाएगा वैसे ही कोई और इन्वेस्टर है वो अड़तीस सौ रुपये लगाना चाह रहे हैं तो उनको अड़तीस सौ रुपये में इनको शेयर इस शेयर का कुछ भाग दे दिया जाएगा कोई पाँच सौ रुपये लगाना चाह रहा है तो पाँच सौ रुपये का शेयर उनको मिल जाएगा तो अर्थात एक ही शेयर के में कई लोगों की खरीदारी या कई लोगों की हिस्सेदारी इसमें हो सकती है आगे ये बता रहे हैं कि शेयर बाजार के जो छोटे निवेशक हैं अर्थात जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जल्द ही ये एम जिसकी कीमत लगभग अभी हमने देखा था कि एक लाख आठ हज़ार रुपये है और मारुति सुजुकी जिसकी कीमत जो है इसमें लगभग दस हज़ार के आसपास है और जो बड़े बड़े शेयर हैं उनमें जो है और जो बड़ी बड़ी महंगी कंपनियां हैं उसमें भी ये टुकड़ों में भी शेयर खरीद पाएंगे अर्थात वो जो टुकड़े टुकड़ा भी हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया था उसमें ये शेयर आप खरीद सकते हैं और ये बता रहे हैं कि इसके लिए अमेरिकी सरकार की तर्ज पर ही यानी अमेरिकी सरकार ने इसको पहले से ही लागू किया है उसी के तर्ज पर भारत में भी ये जो है टुकड़ों में शेयर अब बिकने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी को जो है फ्रैक्शनल शेयर नाम दिया जा रहा है तो फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब बस यही है कई इसको फ्रैक्शन में कई फ्रैक्शन में बांट देना और बांट के एक ही शेयर को कई इन्वेस्टरों को बेच देना तो यहाँ पे आप देखिए यही ये यह चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि खरीदने के दिशा निर्देश बनाने पर यह काम चल रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है तो इससे क्या होगा इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा एक ये फायदा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर को बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा और जो उसके बाद जो मार्केट है जो हमारे जो शेयर मार्केट है, उसमें रिटेल इन्वेस्टरों की भागीदारी और बढ़ जाएगी जिससे जो निफ्टी इस समय लगभग बीस हजार के आसपास चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेज भी बढ़ जाएंगे क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो शेयर हैं अधिकतर ये निफ्टी में ही शामिल होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसका फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आगे ये बता रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था क्या है मौजूदा व्यवस्था में कोई भी निवेशक किसी भी कंपनी का कम से कम एक शेयर खरीद सकता है अर्थात अब चूंकि आप जो भी डिमिट अकाउंट खोले होंगे जो भी मार्केट से जुड़े होंगे उनको ये मालूम होगा कि कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर वो खरीद पाते हैं लेकिन अभी कंपनी ला समिति ने जो कि सेबी द्वारा अभी बनाया गया था उसने पिछले साल एक सुझाव दिया था कि ये जो फ्रैक्शनल शेयरों की शुरुआत की मांग की थी और कहा था कि जो है ये जो फ्रैक्शनल शेयर की प्रक्रिया भारत में भी अपनाई जाए जैसे अमेरिका में अपनाया जाता है और इस पर जो है बाजार नामक सेबी ने इस पर दिलचस्पी दिखाई है और साथ ही साथ जो कंपनी मामलों के जो मंत्रालय हैं अब इसकी इजाजत देने के लिए अपनी कानून में बदलाव की योजना बना रहा है अर्थात चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी नई प्रक्रिया जब लाई जाती है तो एक संसद से बिल पास करवाना जरूरी होता है और कुछ बदलावों की जरूरत होती है तो अब इसमें जरूर बदलाव होगा और कंपनी जो एक्ट होगा उसमें भी बदलाव होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया आने वाले समय में आप शुरू होता देख सकते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी ने कहा है कि बोनस शेयर्स और राइट इशू से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाने की ज़रूरत है तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी कंसर्निंग पॉइंट निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि मार मान लीजिए किसी ने एक शेयर को ख़रीदा है जैसे एम को ख़रीदा है जिसकी प्राइस एक लाख रुपये है और उसके एक हजार में कुछ परसेंटेज उसका ख़रीदा हुआ है तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इसको बोनस शेयर मिलेगा तो उसका जो परसेंटेज कितना बनेगा और राइट right इशू आएगा तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा स्प्लिट होगा तो कितना परसेंटेज बनेगा साथ ही साथ जो डिविडेंड होगा इस पर कितना परसेंटेज बनेगा इस सारे के सारी चीजों पे अभी जो है पूरा डिटेल आना बाकी है पूरे डिटेल से चर्चा होना बाकी है इन सारे इशू पे चर्चा करके और फिर इसको जो है जारी किया जाएगा जो कि ये सारे के सारे अभी कंसर्निंग पॉइंट है और इसी को सॉल्व करने का प्रयास अभी जारी है जैसे ही ये प्रयास सफल हो जाएगा और जैसे ही ये सारे इशू समाप्त हो जाएंगे आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको फ्रैक्शनल शेयर की जो प्रक्रिया अभी शुरू की गई है वो लागू होती दिखाई देगी और ये आगे ये बता रहे हैं कि ये जो नई व्यवस्था आने वाली है वो क्या नई व्यवस्था है तो नई व्यवस्था जो आने वाली है यानी जो फ्रैक्शनल शेयर के जो मामला आ रहा है वो क्या है उसके बारे में ये डिटेल से बता रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए शेयर बाज़ार में कई ऐसे शेयर हैं जिनकी कीमत दस हज़ार से ले कर एक लाख रुपए तक होती है और उससे ऊपर भी होती है तो कई छोटे निवेशकों को इसे खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फ्रैक्शनल व्यवस्था में ये जो निवेशक हैं निवेशकों के कई किस्तों या टुकड़ों में शेयर खरीदने का मौका मिल जाता है अर्थात उसको फ्रैक्शन में बांट के फिर उनको बेचने बेचा जाता है उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि यदि कंपनी का एक शेयर है जिसका जिसकी कीमत पचास हज़ार है तो छोटे निवेशक पाँच सौ रुपये में भी उस शेयर को ख़रीद सकते हैं और उन्हें एक फ़ीसदी ये शेयर मिल जाएगा तो यही जो है एक फ्रैक्शनल व्यवस्था है जिसमें बड़े बड़े जो शेयर हैं उसमें रिजिटल इन्वेस्टरों की भागीदारी बढ़ जाएगी ये आगे बता रहे हैं कि ये इससे जो है बाज़ार को क्या फ़ायदा होने वाला है तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि घरेलू शेयर बाज़ार में फ्रैक्शनल शेयर को अनुमति मिलने से जो छोटे निवेशक हैं उनकी भागीदारी शेयर मार्केट में बढ़ जाएगी और इससे जो बाज़ार का बाज़ार में पैसा का इन्फ्लो होता है वो जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उससे जो है बाजार में तेजी आने की संभावना बताई जा रही है साथ ही साथ निवेशकों को और कंपनियों को भी फायदा होने वाला है और इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा इसमें बताया जा रहा है और इसका जो केस स्टडी लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है और यहाँ पे बता रहे हैं कि अमेरिका में ये काफ़ी लोकप्रिय है और अमेरिकी शेयर बाज़ार में फ्रैक्शनल शेयर का कारोबार पहले से ही चल रहा है इससे अमेजन और गूगल जैसे महंगे साथ ही साथ जो एप्पल से हैं टेस्ला है इन सब शेयरों में जो बहुत महंगे शेयर हैं उनमें जो छोटे निवेशक हैं उनके पहुँच में आ गए हैं और आगे ये बता रहे हैं कि भारतीय निवेशकों को भी अमेरिकी बाज़ार में फ्रैक्शनल शेयर के जरिए निवेश करने की अनुमति जो है मिली हुई है तो यहाँ पे आप देखिए जो भारतीय निवेशक हैं वो जाके अमेरिका में जो फ्रैक्शनल शेयर के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियाँ में पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन भारत में अभी फिलहाल ये सुविधा नहीं है तो इसी सुविधा को लाने के लिए फिलहाल प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो जैसे ही ये फ्रैक्शनल शेयर का सिस्टम आएगा कंपनियों कि जो इनफ्लो है उनमें बढ़ जाएगा उनके कैश फ्लो में वृद्धि हो जाएगी मार्केट में जो इनफ्लो बढ़ जाएगा रिटेल इन्वेस्टरों की भागीदारी बढ़ जाएगी और एक तरीके से जो अभी निफ्टी लगभग बीस हज़ार के आसपास चल रहा है उसमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी क्योंकि रिटेल इन्वेस्टरों का जो भर जो भरोसा है वो बड़े कंपनियों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसमें ये इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे तो दोस्तों ये रहा ऐसा एक न्यूज़ जो कि फ्रैक्शनल शेयर से संबंधित है और फ्रैक्शनल जो शेयर है भारत के लिए एक नया कंसेप्ट है तो इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह कब लागू होता है और इससे क्या और ज्यादा फायदा होता है तो दोस्तों यह रहा आज का न्यूज इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही जो लेटेस्ट अपडेट हैं आपको समय समय पर मिलता रहे जय हिंद दोस्तों